हेलो फ्रेंड, राम राम सभी को। आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही है हम सुबह के 9 बजे से। इससे पहले मैं उठ गई थी, उससे पहले मैंने वीडियो अपलोडिंग में डाली और पढ़ने बैठ गई। अब लग रही है भूख तो कुछ भी बनाएंगे। आज मैं सोच रही मौसम बहुत खराब है आज भी, तो ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में आज आलू के पराठे बनाए जाए। मैंने आलू शाम को बॉइल कर दिए थे, मैंने रात को प्लान कर लिया था मैं सुबह के आलू के पराठे बनाऊंगी आज। तो अब बनाते हैं अपने आलू के पराठे। ये वैसे मौसम में अच्छे लगते हैं, धूप भी नहीं है। उससे पहले हम धोएंगे शाम के बर्तन। ये मैंने रात के बर्तन ऐसे ही छोड़ दिए थे, तो मैं पहले इन्हें धोऊंगी। और मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, तो पहले धोते हैं बर्तन को। आटा हमारा रेडी हो गया, मैंने इसके डो बना दिए दो। मैं अपने दो ही पराठे बनाऊंगी, मैं अकेली हूँ। और मसाला भी रेडी है, बस अब मसाले को इसमें भरना है। रेडी है मेरी चाय और परांठे। और परांठे के साथ लूंगी मैं थोड़ा सा जैम और अचार। बहुत ज्यादा भयंकर बारिश हो रही है। मेरा नहाना धोना हो गया है, अब मैं करूंगी पूजा। अभी टाइम हो रहे हैं शाम की 6:20। मैंने झाड़ू किया, उससे पहले पोछा भी किया मैंने। दिन को मेरा मन नहीं हुआ, बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा बाहर, तो फिर मैं सो गई थी। उसके बाद मैं शाम को उठी, उसके बाद मैंने सारा काम किया, झाड़ू पोछा सब कुछ लगाया। और अब मैं खुद भी नहा गई, अब मैं करूंगी पूजा। शाम की पूजा मैंने कर ली है, मैं आ गई हूँ टेरिस पे। मैंने सोचा टेरिस पे आके करूंगी वॉक। और मेरे को यहाँ पर हो गया पिंपल, बहुत ज्यादा दर्द है इस पिंपल में। होते ना एक पिंपल बहुत अलग से होते हैं, कभी कभी आपको बहुत दर्द देते हैं, ये वैसा ही पिंपल जिसमें बहुत ज्यादा पेन है। और मौसम बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। मेरे सामने पहाड़ में कुछ मेरे को व्हाइट व्हाइट फील हो रहा है, यहाँ से भी देखने में ऐसा लग रहा है बर्फ गिरी है। मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है बर्फ गिरी है कुछ और। पहले बारिश हो रही थी और बारिश के बाद का मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। ये बादल देखो आप, कितना सुंदर लग रहा है। मतलब यहाँ तो बहुत ज़्यादा अंधेरे अंधेरे से बादल लग रहे हैं, और इस तरह भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं करती हूँ थोड़ी देर वॉक। टेरिस पे अरबी के पत्ते, और ये होती है बाबरी, जो मेरे को ऐसे खाने में बहुत ज्यादा पसंद है। इसके पत्ते और मैं खाऊंगी इसे।
दिन को किया था मैंने पोछा, तो झाड़ू पोछा तो मैंने ये सारे ऊपर उठा दी थी, अब मैं रखूंगी नीचे। इसको भी इधर करती हूँ, पहले इनकी सेटिंग करती हूँ फटाफट। मैं डाल रही हूँ मूंग की दाल, मैं बनाऊंगी आज मूंग का खिचड़ी, बहुत सिंपल सा जो मेरे को अच्छा लगता है। तो पहले इसे पकने के लिए डालते हैं। टाइम हो रहा है 8:30 और मैं अब बनाऊंगी डिनर। इससे पहले मैं स्टडी कर रही थी, बस मैंने अभी बंद की अपनी स्टडी। अब मेरे को भूख लगी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने दिन को लंच नहीं बनाया था, आज मेरा मन नहीं था खाने का, मैंने स्किप किया था आज का लंच, क्योंकि सुबह मैंने हैवी पराठे खा लिए थे आलू के। और बस पहले मैंने दाल बॉईल कर दी थी, तो दाल बॉईल होगी, अब मैं बनाऊंगी मूंग का खिचड़ी। मेरा कुछ लाइट सा खाने का मन है रात को, तो बनाते हैं अपना खिचड़ी। इसमें लगाएंगे हम बिल्कुल सिंपल सा तड़का, मैं आपको बताऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, बस मैं डालूंगी इसमें ऑयल थोड़ा सा और डालूंगी इसमें सूखा धनिया, बस ये डाल दूंगी इसमें मैं जीरा और धनिया। फिर उसके बाद ही इसमें मेरा जीरा खत्म हो गया, मेरे को कल जाना पड़ेगा लाने, थोड़ा सा बच गया था तो हो गया मेरा आज का। बस इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और हल्दी, बस थोड़ा सा और नमक डालेंगे, मैंने दाल में नमक नहीं डाला था। बस आपका तड़का रेडी और जल जाएगा, मैं फटाफट में इसमें दाल डाल देती हूँ। ये मैंने इसमें तड़का लगा दिया, मैं इसमें डालूंगी चावल और इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी ऐसे ओपन ही, क्योंकि मैंने थोड़ी लिक्विड सी बनानी है। बस मेरा सिंपल सा खाना रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में, अब मैं घर वालों से बात करूंगी उसके। ये रेडी है मेरी मूंग की खिचड़ी, अब मैं करूंगी अपनी खिचड़ी इंजॉय, और आपको मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।